अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप एटीएम मशीन से पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी की भी अकाउंट में। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक शर्त है, ये है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसकी आपने एटीएम मशीन यूज़ करनी है। जैसे मेरा यूबीएल बैंक में है तो मैं यूबीएल बैंक की एटीएम मशीन से पैसे ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से आप जो वो सभी बैंक के एटीएम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सिंपल आपने एटीएम में आना है, उसके बाद आपने अपना एटीएम मशीन का जो कार्ड है, एटीएम जो कार्ड है आपका, वो आपने एटीएम मशीन में डाल देना है। तो मैं एटीएम कार्ड अपना मशीन में डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जो पिन है 4 डिजिट वो लिख लेनी है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपने ये देख सकते हैं फंड ट्रांसफर वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इंटर बैंक फंड ट्रांसफर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास बैंक्स वाले ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपने जिस बैंक के पैसे ट्रांसफर करने हैं उसका ऑप्शन आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो नहीं है तो आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैंने इजी पैसा में करना है तो मैं इजी पैसा वाले ऑप्शन को ढूंढ लेता हूँ। तो मैं दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, तो देखें इजी पैसा टेलनार ये आ गया, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये आईबीएन नंबर से करना चाहते हैं या कन्वेंशनल, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर उसके बाद आपने अपना इजी पैसा का अकाउंट नंबर लिख लेना है। आपने जिस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर आपने लिख लेना है। तो इजी पैसा का मोबाइल नंबर ये होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। उसके बाद आपने एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये बोल रहे कि पैसे ट्रांसफर कितने करने वो लिखें, तो यहाँ पर मैं जो वो 500 रुपये कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको चिट चाहिए या नहीं, तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास दोबारा मुकम्मल डिटेल आ जाएगी, आपने दोबारा यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये देखिए योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो हमारे पैसे जो वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। और ये देखिए चिट भी मेरे पास आ गई है। तो इस तरह आप जो वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने किसी भी एटीएम मशीन से, ठीक हो गया। तो इसमें एक और शर्त यह है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसी की एटीएम मशीन से आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करना है, तो आपका जो एटीएम कार्ड है वो निकल आ जाएगा और आपके पैसे जो वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।